हम सबकी आवाज न्यूज हिंदी 27 सच और सही खबरें सब्सक्राइब नाउ। प्यारे मित्रों, न्यूज हिंदी 27 में आप सभी का स्वागत है। यति नरसिंहानंद, हमेशा मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गलत सलत टिप्पणी करता रहता है। अब फिर से एक और गलत टिप्पणी किया है जो कि नाकाबिले कबूल है, पूरे देश के मुसलमानों को दिल को ठेस पहुंची है। रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया मैं रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, ध्यान रखना है सर। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो आपको मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। यति नरसिंहानंद ये कहता है, रावण ने छोटी गलती किया है, उसके लिए हम उसे जलाते हैं, लेकिन अरब का मोहम्मद बहन बेटियों के साथ गलत किया, इसलिए दशहरा में रावण का नहीं मोहम्मद का पुतला जलाओ। जो कि ये सारी बातें सफ़ेद झूठ है। अगर आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उनके आने से जो बहन बेटियों पर जुल्म हो रहा था उससे रोका गया, लेकिन इसका ये उल्टा बता रहा है, आपस में लोगों को लड़ाना चाहता है। क्या आप लोगों ने कभी ये सुना कि मुसलमानों ने हिंदुओं को भगवान के बारे में ये गलत बोला गया हो? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। अगर आप लोग सुने हैं तो कमेंट में जवाब जरूर लिखें। हालांकि यति नरसिंहानंद पे FIR हो गया है, मगर ऐसा तो कई बार हुआ, लेकिन फिर भी ये गुस्ताखी करता ही रहता है। मुसलमानों ने गिरफ्तारी की मांग किया है। दासना का रहने वाला वो मक्कार नाहंजार जो हिंदुस्तान के अमन और शांति को खत्म करना चाहता है, हुजूर की शान में नाजेबा अल्फाज बोलता है। ऐसे अल्फाज बोले हैं कि जिनको हम अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमत हिंद क्या कर रही है, यूपी की हुकूमत क्या कर रही है? वो भौंकता रह रहा है, हजारों FIR कराने के बावजूद भी आप लोगों ने उसके खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लिया है। हमारी सबकी मांग है कि जल्द अज जल्द उसे जेल के अंदर होना चाहिए, वरना इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में होगा, इससे भी बड़ा एहतजाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर होगा। हम हुजूर की इज्जत पर खामोश बैठने वाले नहीं है। हम हुकूमत हिंद से अपील करते हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, और एक मरतबा अपील नहीं की, हमने थाने में मेमोरेंडम भी दिए हैं, हमने FIR वगैरह भी कराई है। आप एक्शन कब लेंगे? आप कब तक ऐसे ऐसे पाखंडियों को आजाद छोड़ेंगे जो हिंदुस्तान के माहौल को खराब करा रहे हैं? इसलिए मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि सरकार हिंदुस्तान की जो है वो जल्द अज जल्द ऐसे पाखंडियों को गिरफ्तार करे। नरसिंहानंद को गिरफ्तार करो, पाखंडियों को गिरफ्तार करो, आतंकवादी को गिरफ्तार करो। हुजूर की गुस्ताखी नहीं सहेंगे, हुजूर की गुस्ताखी नहीं सहेंगे। नारे तकबीर। आखिर ये ऐसा बार बार क्यों बोलता है? क्या इसके पीछे किसी और का हाथ है? अगर है तो जल्द ही उस पर कार्रवाई किया जाए ताकि हिंदुस्तान का माहौल खराब ना हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।